खबर नैनपुर से, जिसने मिलादुन्नबी व शाने अलह वैद कॉन्फ्रेंस। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 23 सितंबर को जामा मस्जिद नैनपुर के सामने तकरीर का एक अजीम उशनान इजलास, जिसने ईद मिलादुन्नबी व शाने अहले बैत का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मुकर्रर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब हैदराबाद व हजरत सैयद आमिर मसूदी साहब बांदा यूपी से तशरीफ लाए। प्रोग्राम रात्रि 9:30 बजे देर रात तक जारी रहा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत कर फैज हासिल की। मुकर्रर हजरत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब के नगर आगमन पर इस्तकबालिया जुलूस निकाला गया। हजरत ने अपने बयान में फरमाया, पैगंबर ए इस्लाम जो कि तमाम दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, उनके उपदेशों को अपने ज़िंदगी में जो उतार ले वह दुनिया व आखिरत में कामयाब है। वतन ए हिंदुस्तान की खूबसूरती का जिक्र फरमाते हुए आपने कहा, मुल्क में भिन्न भिन्न जाति धर्म वर्ग के लोग निवास करते हैं और सभी ने एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और अंग्रेजों से हमारे देश को आज़ाद कराया। यह एकता की ही मजबूती थी, आपस में इत्तेहाद आपसी भाईचारे से मुल्क में रहें ताकि मुल्क की तरक्की कामयाबी होती रहे। प्रोग्राम में लोगों की बड़ी तादाद रही व कासिर तादाद में उलमाए किराम भी रौनक के स्टेज रहे। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अंजुमन इस्लामिया कमेटी के तमाम का शुक्रिया अदा किया गया। अल्लाह का शुक्र है, हम डॉलर और रियाल पे पलने वाले नहीं हैं, हम तो रसूल अल्लाह के लंगर पर पलने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पनिशमेंट से बचा लिया। हम कारोबार भी करते हैं, बीवी बच्चों को भी पूरा वक्त देते हैं, और जब देखो जब नैनपुर में ही रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्याल अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। तहकीक के हमने, तहकीक के हमने एहसान किया, ज़रा बोलिए, पर एहसान किया। फिर अब क्या एहसान किया ईमान वालों पे, क्या एहसान किया? इस बाता फीहिम रसूला कि उनके दरमियान में अपना रसूल भेज दिया। उनके दरमियान में, बोलिए ना, उनके दरमियान में अपना रसूल भेज दिया, अपना रसूल उनके दरमियान में भेज दिया, ये उन पर एहसान किया। अच्छा, किस पे किया? देखो पुर वालों बोलो ज़रा, ईमान वालों पे। तो अब देखो, ईमान वालों पे एहसान हुआ बोलकर ही ईमान वाले जश्न मना रहे हैं। ईमान वालों पर एहसान किया कि उसके उनके बीच में अपना रसूल भेज दिया, तो हम जो है रब की बारगाह में नजराने शुक्र पेश कर रहे हैं कि ए अल्लाह, हम हमारा बेटा पैदा हुआ इसलिए नहीं है, ए अल्लाह हमने ये जश्न इसलिए नहीं मनाया कि आज हमारे मोहल्ले में कोई बादशाह के बेटे का वलीमा है, नहीं नहीं मौला, हमने ये जश्न इसलिए मनाया है क्योंकि आज तूने हम पर अली 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 बला। हमारा ये नाम ही ऐसा है, अली 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 नबी की गोद में पले, हरम की छांव के तल। अरे पूरा मजमा बोलो यार, नबी की हरम की छांव। खबर भारत वर्ष के लिए नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश से शमीम खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।